हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि ठंडियों का मौसम आ गया है और आप लोग रूम हीटर्स के बारे में देख रहे होंगे, तो आज मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूं ऑर्पिट के OEH 1220 हीटर का। तो सबसे पहले तो इसको बॉक्स को ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो ये हमें इस तरह से कुछ हीटर मिलता है। सबसे पहले तो इसकी डिजाइन देख लेते हैं। हीटर इसमें रखा हुआ है, उल्टा निकला है ये राहुल हीटर का डिजाइन। और यहाँ पे ये वारंटी कार्ड है, क्योंकि ये 1 साल की वारंटी के साथ आता है, तो ये वारंटी कार्ड है। तो ये आप देख सकते हैं ये डिजाइन है और काफी हल्का है। इसके अलावा मैं दो हीटर्स का, जो कि अमेजोन ब्रांड का हीटर आता है और जो लाइफ लॉन्ग का हीटर आता है, उनकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी कर चुका हूं। तो आप ऊपर आई बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके भी उन दोनों को देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट हीटर कौन सा है। क्योंकि तीनों ही हीटर लगभग 1,000 की रेंज में आते हैं, कोई 1,100 का, कोई 1,100 का, कोई 1,150 का। तो लगभग 1,000 से 1,100 के बीच में कोई भी हीटर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो जो बेस्ट प्राइजेस हैं उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये हमारे पास ऑर्पिट का हीटर है, इसका आप डिजाइन तो देख ही सकते हैं। अब हम इसकी अनुभव जो रिव्यू है उसके बारे में बात करते हैं कि इसके क्या फीचर्स हैं और आपको कौन सा हीटर लेना चाहिए। मैं दो हीटर्स की अनबॉक्सिंग ऑलरेडी कर चुका हूँ। और इस हीटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो डिजाइन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए मेटल की जो डिजाइन है, तो यानी कि हमें यहाँ पे करंट लगने का कोई डर नहीं है। यहाँ पे फैन यूज किया गया है, ये जो फैन है आप इसको फैन की तरह भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे तीन सेटिंग्स हैं, यहाँ पे मतलब 4 स्विच हैं। पहला स्विच ऑन करने के लिए है, ऑफ करने के लिए है। दूसरे स्विच से सिर्फ फैन ऑन होगा। उसके बाद आप एक बार और स्विच ऑन करेंगे, इसको मूव करेंगे तो ये 1,000 वॉट पे चलेगा, और ये यहाँ पे और आगे बढ़ाएंगे तो ये 2,000 वॉट पे चलेगा। तो यहाँ पे ये अच्छी बात है कि आप यहाँ पे 1,000 वॉट और 2,000 वॉट दोनों पे यूज कर सकते हैं इसको। तो ये काफी अच्छा फीचर है यहाँ पे। और जैसा कि मैंने आपको इसके पहले दो हीटर्स का जो अनबॉक्सिंग की, वहां पे टेम्परेचर कंट्रोल करने का तो ऑप्शन था, लेकिन 2,000 वॉट और 1,000 वॉट को अलग अलग ऑपरेट करने का ऑप्शन नहीं था। तो इसके अलावा अगर हम लोग इसकी बाकी फीचर्स की बात करें, तो जैसे कि इसमें फैन यूज हुआ है, ब्लोअर की जगह फैन यूज हुआ है, तो थोड़ा सा ये नॉइस भी कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नॉइस नहीं होती है। इसको हम लोग यूज करके देख चुके हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइस नहीं देता है। लेकिन चूंकि फैन यूज हुआ है, तो एज कम्पेयर टू जो हमने इसके पहले जो हीटर्स के रिव्यू किए हैं, उनकी कंपेरिजन में थोड़ा सा ज्यादा आवाज देगा। और अगर आप बात करें इसको यूज करने की, तो नॉर्मल जो रूम है, नॉर्मल रूम आपका यानी कि 200 से 250 स्क्वायर फीट का रूम है, तो उसके लिए आपका ये जो रूम हीटर है वो परफेक्ट है, सफिशियंट है। अब हम लोग इसके जो फीचर्स की बात कर लें, तो फीचर्स के लिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि पहली जो फीचर दिया हुआ है हीटिंग सेटिंग्स नॉब, यानी कि यहाँ पे हम लोग हीटिंग कितनी हीट चाहिए, यानी कि 1,000 वॉट पे चलाना है या 2,000 वॉट पे चलाना है, वो यहाँ पे हमें फैसिलिटी दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे चूंकि फैन यूज हुआ है, तो आप इसको सिर्फ, जरूरी नहीं है कि आप ठंडियों में यूज करें, आप गर्मियों में एज अ फैन भी इसको यूज कर सकते हैं। जब आप इसको हीटर को टोटली बंद कर देते हैं, तो एज अ फैन, जैसे टेबल फैन होता है, अगर आप नॉर्मली लैपटॉप वगैरह पे काम करते हैं, तो आप अपने टेबल पे इस फैन को यूज कर सकते हैं, तो एज अ फैन भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये यानी कि सिर्फ ठंडियों में काम आने वाली चीज नहीं है, अगर आप इसको परचेस करते हैं तो। डेफिनेटली सिर्फ फैन के लिए तो कोई यूज नहीं करेगा, लेकिन हाँ, दोनों टाइम के, दोनों पर्पज के लिए आप रख सकते हैं। ये ठंडियों में से हीटर का काम ले लें, और गर्मियों में आप इससे नॉर्मल फैन का काम ले सकते हैं। बट एज यू नो दैट जो फैन होता है वो ज्यादा सस्ता पड़ जाता है, तो फैन आप खरीद सकते हैं, बट इसका यूज इस तरह से भी किया जा सकता है। और यहाँ पे सेफ्टी मटेरियल ग्रिल, तो मेटल ग्रिल मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये इसका डिजाइन है, और इसको आप एक ही तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अमेजोन ब्रांड का जो हीटर बताया था, उसको इस तरीके से भी स्टैंड रख सकते थे, और इस तरह दो तरीके से यूज कर सकते हैं। इसको सिर्फ इसी तरह से आप रख सकते हैं, लेकिन इसकी डिजाइन और इसका जो वेट है काफी कम है, और इसकी डिजाइन काफी अच्छी है, तो आप नॉर्मल इस तरह से उसको यूज कर सकते हैं। जो ऑपरेट होता है 2,000 वॉट पे होता है, तो मतलब अगर हम लोग बात करें कितनी बिजली कंज्यूम करेगा, तो अगर आप इसको कंटिन्यूअसली 1 घंटे तक चलाते हैं, तो लगभग 2 से 2.5 यूनिट का ये बिजली कंज्यूम करेगा। तो इस हिसाब से आप अपने जो बिल है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अगर आप होम यूज के लिए ले रहे हैं, तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप 1 घंटे चलाते हैं, तो लगभग आपका 2 यूनिट खर्च होता है।
इसके अलावा इसमें कुछ और फीचर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे जो बॉडी है ये हीट नहीं होगी। जब ये हीटर चल रहा होगा तो ऐसा नहीं है, ये बॉडी हीट नहीं होगी, आप इसको कभी भी यूज कर सकते हैं। सेफ्टी मटेरियल है, फैन यूज हुआ है, और इसके अलावा कुछ फीचर्स इस तरफ भी दिए हुए हैं जो कि काफी अच्छे फीचर है। जैसे यहाँ पे ऑटो कट है, अगर ज्यादा गर्म हो जाता है तो अपने आप ये बंद हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास लॉन्ग लाइफ हीटिंग है, यानी कि इसकी जो जो एयर है काफी दूर तक जाती है तो पूरे रूम को गर्म कर देगी। और ये ऑटो कट है, 1000 वाट और 2000 वाट में आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे दिया हुआ नॉब, तो आप 1000 और 2000 वाट में यूज कर सकते हैं, फैन की तरह यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो वारंटी की बात करें तो 1 साल की ये वारंटी के साथ आता है, और अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो उसके साथ ही 10 दिन का आप रिप्लेसमेंट भी ले सकते हैं। 10 दिन के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा 1 ईयर की इसमें इंडिया के अंदर अंदर वारंटी होती है। तो आई होप कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। आपको अगर हीटर लेना है, कौन सा हीटर लेना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तीनों वीडियोज आप कंपेयर कर सकते हैं। बेसिकली जैसे कि मैंने बताया, सब में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, सब में कुछ कमियां होती हैं। जैसे इसमें क्या है, फैन है तो इसमें थोड़ा सा ये नॉइज ज्यादा करता है, लेकिन आप इसको ठंडियों के अलावा नॉर्मल गर्मियों में भी इसको यूज कर सकते हैं एज अ फैन। तो कुछ इसके बेनिफिट्स भी हैं, और चूंकि ये थोड़ा सा फैन है तो इसकी जो वॉइस है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ब्लोअर। और आई थिंक अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर दीजिए, और कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, तीनों जो प्रोडक्ट हैं, तीनों हीटर हैं, उनकी मैं लिंक दे दूंगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको परचेज कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।